उसी नसीब को बदलने के लिए कोई वहां आ रहा है। थके हो? अरे नहीं। थोड़ी दूर वो देखो उस ब्रिज के पार को था। मरेगा क्या? माफ कीजिए साहब, दो दिन से भूखा हूं। ये लो, चलो। बेस्ट है। हमेशा चिल्लाती रहती है, अभी तो दूध पिलाया था। तुम यही रहना, मैं पार्सल लेके आता हूं। एक 5 बजे पार्सल। इस तरफ आ जाइए साहब। आओ। एक लड़का भूखाओं बोल के पैसे मांग रहा था, लगता है वो झूठ बोल रहा है। सोनू होगा, गांजे के वास्ते मांग रहा होगा। बेस्ट है। कौन है वो? कोची का है, पर 5 साल से तो यहीं भटक रहा है। सुना इस टाउन में बड़ी समस्या है, क्या ये सच है? साहब आप पुलिस वाले हो ना? कैसे समझे? काली अम्मा ने बहुत पुलिस वालों को देखा है। मैं शाहुल असीम, नया टाउन से आया। पनिशमेंट ट्रांसफर है क्या सर? हाँ, यहाँ कुछ लोगों को पनिशमेंट देने आया हो, समझे? लीजिए साहब। लो। लीजिए। ठीक है। कौन है ये कनन भाई? नहीं जानती। ठीक है। मैं देखता हूं। बोलिए। नमस्ते सर, मैं तारा, ये सिस्टर लीना। नमस्ते। हमें आपसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बतानी थी। कम इन। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते, आइए बैठिए। यस टेल मी। सर मैं टाउन में एक बुक स्टॉल चलाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन कृपा रिहैबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियरिंग करती हूँ। हमारे टाउन से कुछ 10 किलोमीटर दूर ये सेंटर है। मैं ही वहाँ की इंचार्ज हूँ सर। सर आप इसे देखिए ना। कोता की नई पीढ़ी बर्बाद हो गई है। माँ बाप की उम्मीदें युवाओं पर होती है, लेकिन ड्रग्स उनके दिमाग को खोखला कर चुका है। अब वो जिंदा लाश बने घूम रहे हैं। इन सब के पीछे एक आदमी है, कर्णन, कर्णन भाई। जब से मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, बस यही सुनने में आता है मुझे, उसका नाम। सर आप पे हमें पूरा भरोसा है। सर जहाँ भी सर्विस करते हैं वहाँ सब क्लीन कर देते हैं ना? किसी भी तरह इसका हल निकालिए सर। ये मुझ पे छोड़ दीजिए सिस्टर, इट्स माय ड्यूटी नॉट ए फेवर। सुना है वो बहुत खड़ूस है, पहले ही बोल रहा हूं पुरानी आदतें सुधारो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टोनी, राइट? हाँ सर, जनार्दन सर। यस सही। आओ बैठो। टोनी यहीं के रहने वाले हो ना? जी सर। बड़े फुटबॉल प्लेयर हो सुना? वो
थोड़ा सा खेल लेता हूँ सर। बात कुछ और है सर, टोनी सर बढ़िया खेलते हैं, पिछले फेडरेशन कप के टॉप स्कोरर हैं। हाँ वो क्या है? हाँ दो सर, जैसे आपने कहा था टाउन के छोटे बड़े क्रिमिनल्स को स्टेशन बुलाकर उनके साइन। ओह यस, दिखाओ। सबके सब अनपढ़ है सर। सूटकेस लेस्ली, ये कैसा नाम है? सुपारी हत्यारा है, अब परोल में है। एक आदमी को मार के उसे सूटकेस में डालकर दफन करना उसका स्टाइल है सर, उससे कोई खतरा नहीं है सर। ये सात साइन मिसिंग क्यों है? वो कन्नन और केटी में है सर। इस रजिस्टर को कैसीनो लेकर आने के लिए बोल रहा है कन्नन भाई? आर यू सीरियस? बड़े ऑफिसर्स भी कन्नन से वही मिलते हैं सर। आई डोंट केयर, वो किसी सच्चे पुलिस ऑफिसर से मिला नहीं होगा सर। मैं वो क्या, तुम दोनों फुसफुस कर रहे हो? सर वो बिजॉय सर की जगह पर तो आप आए हो। सो बिजॉय सर यहाँ से क्यों छोड़कर गए आप जानते हो? कुछ पढ़ने के लिए लीप पे ऐसा सुना है। सच्चाई जानना चाहेंगे सर। विजय सर हैं? हाँ हैं। आप कौन? इस गोथा में मुझे नहीं जानने वाले सिर्फ आप हैं भाभी। चलो रे। शतरंज राजाओं का खेल, तू अंदर कैसे आया? दो किलो कोकेन की कीमत जानते हो सर? बेटा बैठ जा, मेरे बेटे से दूर रहे। डैडी, चल के डैडी को जिंदा देखना है कि नहीं? बेटा, खेलो बेटा। हाँ, गुड मूव। डर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। स्टेशन से माल मैं ले लो, एक लाख है। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। भाभी जी जानती है घर चलाना कितना मुश्किल है। तीन हफ्ते काफी है घाव पर। ये मत भूल, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मैं यहां का गांव। नहीं भाई, मत मारो भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। नहीं भाई, ये तो डेंजरस निकला। फिर हम ही चलते उससे मिलने। See, I'm with the mobsters, with the killers and the robbers. I've never been a wankster, so when I pull up with the choppers, you know we about to get it poppin'. 'Cause I'm the boss man, king killer, king killer. I'm the boss man, king killer, king killer. I'm the boss man, king killer, king killer. I'm the boss man, I'm the boss man. तुम लोग यहीं रुको। Yes sir. चलो देख sir. हेलो जीजू, आई फाउंड माय रियल लव। क्या ऋतु? ऋतु रवि। उसका निकनेम, शी सेड टू मी, जिनो
तुझे बहुत बार समझा चुका हूं, तेरे लड़के का चक्कर सेटल करने नहीं बैठा हूं मैं। ऐसी बात नहीं है जीजू। जीजू तुम भाई नए इंस्पेक्टर मिले हैं, भेज देना। वेलकम शाओ सर, बैठिए। डोंट बैठ। धमकाने वाले के टीम है ना? बोले हैं सर, खून देख के बेहोश हो जाते हैं। ओ साइन, आ जाओ। ठहरो, कन्नन का ट्रस्ट का बिजनेस है ना? कन्नन भाई बोलिए सर। वो सब तेरा काम है, समझे? सर हाजिरी लेने आए हैं। वही समझो, अब इस कोठे में मैं ही सबके हाजिरी लूंगा। टोनी सीख कुछ, पुलिस ऐसे होते हैं, आग है आग। लेटेस्ट पीस है सर के लिए। तेरे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? जो लड़का फोन किया था उसे तो हेलो। हाँ जीनू, उस लड़की को छोड़ दे, वो राजू की बहन है। कौन राजू? भाई का तो पता नहीं, पापा टेलर है। जीनू जो बोल रहा हूं वही कर। जीजू आई लव क्या देख रहा है? क्या फिर कन्नन, स्टेशन चले गया, वहां जाके एक साइन करके एक काली चाय पी के जाना। महंगा चश्मा है, रख लीजिए सर, बाकी घर पहुंच जाएगा। सर प्लीज सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? विवाह होके 10 साल बीत गए, 6 बार अबॉर्शन होके आखिरी निशाना लगा है। ये पिछले हफ्ते का स्कैन रिपोर्ट, बच्चा तंदुरुस्त है लेकिन कब तक? बेटी होगी सर, लेकिन आपको ये पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। कन्नन बेटी ही सही है सर, अगर लड़का बड़ा होके हमारे जैसे बन गया तो आप क्या करोगे सर? बेटा छोड़ दे। साइन चाहिए ना? आ क्योंकि सर के बच्चे का गॉडफादर मैं हूं। जच रहे ना? तो फिर वेलकम टू कोथा सर जी।
सर आपको सब जगह ढूंढ लिया। कन्नन के बारे में आपको सब समझाया था ना, फिर सर आपने ऐसा क्यों किया, वो भी उसके जगह पर। मुझे इसकी आदत हो चुकी है सर, वो हमारे पहुंच से ऊपर है, उसे भूल जाते हैं सर। उससे तुम्हें निशाने पे रख के मारूंगा। चलिए सर मार देते हैं उसे। सर हमारी कुछ सीमाएं हैं, पर कन्नन जैसो की कोई सीमा नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है सर। एक चाय पी लेते हैं सर। शराब के बाद क्या चाय? काली अम्मा की चाय, नशा उतार देती है। कन्नन की मां है, कन्नन की वाइफ की इनके साथ बनी नहीं, बीवी की सुन के कन्नन ने मां को घर से बाहर निकाल दिया। टोनी बेटा आजकल दिखाई नहीं देता। यही घूमता रहता हूं मैं, दो चाय। साहब को ये जगह अच्छी लगी कि नहीं? अच्छा। टोनी इधर इधर। अंडरॉक्स कुंभारा। तू तो बहुत बदल गया है रे। मिलके अच्छा लगा। कहाँ था तू? मद्रास में। ओ वहाँ एक स्कूल में पीटी मास्टर। सर ये हमारे टाइम का फुटबॉल खिलाड़ी अंडरॉक्स कुंभारा, ये हमारे टीम का फॉरवर्ड था। टूर्नामेंट कप? अच्छा वो तुम्हारा फॉरवर्ड था ना राजू, उसके साथ खेलने में मजा आता था यार। अब कहाँ है वो? वो नहीं पता, सालों से दिखा नहीं। हाँ किसी के हथियार का शिकार बन गया होगा वो। ओके। क्या बोला तू? ज्यादा बकवास करेगा तो गरम चम्मच से ज़बान जला दूंगी, भाग इधर से। कौन है ये राजू? कल कन्नन भी इसका जिक्र कर रहा था। आपने कन्नन की दाहिनी आंख देखी? इसलिए पूछने पर चुपचाप था। कैसे बोलता, उससे पंजा शेर ने जो मारा था। गेट पे ताला लगा दे। नए इंस्पेक्टर कुमार के जश्न मना रहे हैं? वो मामूली बात है, ये पुरानी यादों के लिए। पुरानी बातों को सोचकर तुम्हें पीना जरूरी है क्या? चलो रख दिया। आपके लिए जान भी दे सकता हूं। मेरे लिए जान मत देना, बस हर पल साथ निभाना। देखो अपना हीरो आ गया। तुम्हें उसको समझना पड़ेगा, नई लड़की के प्यार में गिरा है। रितु के बारे में ना, उसने सब बता दिया। मैंने ही कहा अपने जीजू से कहो। मंजू वो राजू की बहन है, पता है? हाँ तो तब कोठा पर सिर्फ राजू की हवा चलती थी। आसान शब्दों में इस टाउन का लॉ एंड ऑर्डर उसकी जेब में था, लोगों में कन्नन के लिए सिर्फ डर और नफरत बची है।
पर राजू की अलग कहानी है। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। राजू का राइवल है ना ये कनन। सर, राजू से टकराने की हिम्मत सिर्फ गांधीग्राम के रंजीत भाई में थी। तो फिर कनन? राजू और कनन बचपन से दोस्त हैं। वो दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। वो है विनर्स, जिस क्लब के लिए मैं खेलता था। राजू क्लब का फाउंडर था और उसकी टीम में हम सात लोग थे। राजू, कन्नन, राफी, मनोज, निशांत, शाजन और मैं। सर, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मेरे अब्बा एसआई थे, प्रेसिडेंट के हाथ से मेडल भी ले चुके हैं, तो डेफिनेटली मुझे पुलिस ही बनना था। वैसे ही राजू के बचपन का सपना उसके पिता की तरह मशहूर गुंडा बनना था। वो है राजू के पिता रवि। मगर ये तो टेलर है ना। कोथा रवि के नाम से सबको डरा देने वाले गुंडे थे ये। अपने पिता से प्रेरित होके राजू ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसकी मां मालती अम्मा लाख समझाने के बावजूद राजू को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उसकी मां ने उससे बात करना बंद कर दिया। तब शुरू हुई कोथा में राजू की दिवाली। और उस वक्त की बात है जब कन्नन और काली अम्मा राजू की जिंदगी में आए। काली अम्मा को राजू मां कहकर बुलाता था। किस वजह से राजू कोथा से दूर हो गया, क्या ये स्टोरी? इस बात को 10 साल होने वाले हैं। ये 86 वर्ल्ड कप की बात है, मैराडोना वर्ल्ड कप। यही तेरा फूलों का धंधा है? इनका तो हो गया। बाहर निकल, तू हमें झेल नहीं पाएगी, चल निकल। तेरा काम खलास। अरे कौन है ये? दिमाग हिला क्या इसका? ये तारा है, माल फूक फूक के उसके भाई ने आत्महत्या कर ली, इसीलिए दिमाग हिला हुआ है उसका। दिमाग हिलने का और एक कारण भी है। क्या? ये राजू की लैला है। इसी के लिए तो राजू ने कोठा में गांजा बंद करवाया था। जब मैं सुधर रहा था तभी साला तुम लोग कैसे आ गए। तुम लोग को तो भगवान पूछेगा, भगवान। भगवान का पता नहीं, पर ये राजू पूछेगा। गांधीग्राम वाले रंजीत का भाई हूं मैं। ये गांधीग्राम नहीं, कोता है। यहां मेरे कहने पर दिन और मेरे कहने पर रात।
शांतिग्राम का इज्जत का मामला है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। छोटा लड़का समझ के छोड़ दिया उसे। दिस इज इनफ। आई वांट रेवेंज। और दूसरों की तरह इसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा भाई। Everybody should watch his dead body. भाई, आपके लिए फोन है। अबे लगता है इसे छूने से कुष्ठ रोग हो जाएगा। मरवाएगा क्या मुझे? हेलो। अच्छा तमाशा कर रहे हो सुना? मुझे मारेगा, खून करेगा। हे, यहाँ चौखट पर जिसकी लाश पड़ी है वो मेरा कजन ब्रदर था। माय ग्रैंडफादर सेकंड डॉटर सन। बंद कर तेरी इंग्लिश। राजू, रवि भाई का बेटा इसे ले छोड़ रहा हूँ। रवि भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वरना तेरे को मैं क्या करेगा? तेरे को टॉक लेटर। तू क्या करेगा अभी देखना है। वहां आ रहा हूं मैं। हे राजू, गांधीग्राम यमलोक है और मैं इस यमलोक का यमराज। हिम्मत है तो आगे दिखा। ए चलो निकल यहां से। भाई कौन था? आई विल कट हिज बॉडी इन टू पीसेस एंड थ्रो दैट those pieces into the sea. हाँ वैसे करते भाई। भाई हम तैयार हैं। किस लिए? वो राजू आ रहा है ना। क्या? हाँ फट गई है उसकी। जो उखाड़ सकता है उखाड़। अबे रुक भाई इसको तो। चलना सब लोग वेटिंग, जल्दी उखाड़। तेरा रोना बंद कर। बात कर रहे ना? जैसे मरने वाला बहुत पुण्यवान आदमी था। मैंने मारा इसे, दम है तो हाथ लगा के देख। अब हीरो सुनाई नहीं दिया? रंजित, तेरी बीवी को आता है क्या इस तरह रोना? रवि भाई का बेटा इसलिए छोड़ रहा है?
उस रिश्ते को भूलकर बहुत साल गुजर चुके हैं। राजू, इफ यू डोंट माइंड, लिव इट, आई विल ऑल्सो लिव इट। गुड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट क्लास। I be in the streets with a six sling. If you want something better, ask me. I call the shots like an OG. और ये है राजू, अपनी जान प्यारी है तो राजू से दोस्ती, वरना दुश्मनी तो सिर्फ मौत ही देगी। के लॉ एंड ऑर्डर राजू के इशारे पर चलते थे। छोटे मोटे मसले को वो मुफ्त में ही सुलझा देता था, लेकिन बड़े मसलों के लिए वो बड़ी रकम लेता था। प्यार करने वालों के लिए राजू भगवान था और नफरत करने वालों के लिए शैतान था। ऐसा था राजू। वसूली हुई रकम हर महीने क्लब में जमा हो जाती थी, जिसे राजू अपने दोस्तों पर उड़ा देता था। Thank you.
जला जला है, दिल ये धुआं धुआं है, अब तो रंग चढ़ा है यारा सपे यहाँ। मरे मरेगा अब तो होश उड़ेगा, देखो कैसे बचेगा सब है बना। जला जला है, दिल ये धुआं धुआं है, अब तो रंग चढ़ा है यारा सपे यहाँ। लड़कियां राजू की कमजोरी हुआ करती थी। तारा से प्यार होने के बाद उसकी वो आदत भी छूट गई। तारा का प्यार राजू की भाषा में बोलू तो जैसे खून लगेला चाकू को पानी से धोने के बाद जो चमकता है ना, वैसे चमकता है तुझे सोचकर मेरा दिल। इतने अच्छे से किसी आशिक ने नहीं कहा होगा। मॉडर्न पोएट्री जैसा है। ओए सुनो, जो भी खाना है सब खा लो, कल मैच है, कब जीतना है कंफर्म जीतेंगे राजू, कोई डाउट मत करना। सुनिए राजू जी, ये कैंडल लाइट डिनर्स पे लवर्स आते हैं ना, फिर ये लोग क्यों? दोस्ती और प्यार में कोई फर्क ना कर, चाहे वो कैंडल लाइट डिनर भी हो। ठीक है चल ले तो। अपना मैटर तेरे बाप को पता है? फिर क्या, बता दिया। साला देख तो नहीं रहा इसे। चलो गुड नाइट। अंकल बहुत देर होगी। नहीं, अंदर जरा गर्मी लग रही थी तो बाहर आके हवा खा रहा था। अच्छे से खा लीजिए। हाँ दिखा।
Hey, घर पे बोल दिया क्या? आजा, आजा, आजा। राजू, दोनों तरफ से तीन तीन गोल हो चुके हैं, तो क्या अब फिनाल्टी होगी? फिनाल्टी नहीं, पेनाल्टी। कुछ भी। मालती अम्मा को पसंद नहीं। राजू चलना, अरे छोड़ राजा। But he's a wonderful player. Fantastic! Civilized man. जब हम कॉलेज में थे, लंदन जाके हायर स्टडीज करना चाहती थी तुम। फिर इस कचरे में कैसे फंस गए? मुझे वीजा भी मिल चुके थे, तभी मेरा भाई ड्रग से जान गई ना। इस हालत में पापा को अकेले छोड़कर कहां जाती? तो तुम फिर बॉम्बे आ जाओ, ब्रिंग योर फादर एज वेल, एक्सपेंड योर होराइजंस। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? लिसन, आई जस्ट वांट टू रेस्क्यू यू। किसे? तुम जैसे मर्द बचाना और सजा देना ही जानते हैं, केयर करना नहीं। अगले हफ्ते जा रहा हूं मैं, तुम चलोगी तो टिकट बुक कर दो। नहीं चलना। तुम क्या सोच के यहां रुकी हो? आई मीन वो मेरी इच्छा। राजू भाई, उसको पत्रकारों से मिलना पसंद नहीं, तुम चलो। मैं दाऊद को जानता हूँ। ये कुछ तेरा बॉम्बे नहीं, कोता है, तू चला जा। धंधा ठंडा है? नहीं, एक कस्टमर है ना। कौन है ये गांडू? तारा? राजू भाई आप बैठो। अपने टोनी को एक बुक मांगता है। कौन सी? बोल नाम क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन। हाँ, सलमान रुश्दी की है। वो स्टॉक में नहीं है, अगले महीने मिलेगी। हाँ तो अगले महीने ले लूंगा। तो तुम लोग लगे रहो, मैं वेट करता हूँ। हाँ, जा गाड़ी में बैठाता हूँ।
ठीक है। कल का क्या प्रोग्राम है? हम एक आउटिंग चलते हैं ना, फिर शॉपिंग करके फिल्म भी देखेंगे। अब तक गया नहीं तू साले, मुफ्त में किताब पढ़ना है? राजू भाई प्लीज। क्या बे राजू भाई, जिंदा रहने का है क्या? यहां से चले जाओ। वहीं रुक, उठा इसे। राजू भाई प्लीज, कस्टमर बुक उठा। किसको खुन्नस दे रहा है तू? अब तेरा सारा खुन्नस निकालता हूं, देख, देखना है। चलो यहां से बाहर चलिए मिस्टर। तुम डर गई? मैं उसको बस डरा रहा था। वो बुक नहीं उठाता तो तुम क्या करते? मैं उसको मर्द बोलता, पर तारीफ सुनने के लिए वो जिंदा नहीं बचता। सच बोलूं तो कहीं जाना था मुझे, अचानक मिलने का दिल किया, गाड़ी घुमा दिया। तो टोनी को बुक नहीं लेना था? क्या हुआ? यहां नहीं, दिल में कुछ हो रहा है। चलता हूं। तारा को चुनने की खुशी ने राजू को दीवाना बना दिया था। राजू को ऐसा देख बहुत अच्छा लग रहा था। अरे राजू, राजू बोल, अपना सेटअप थोड़ा बड़ा करें क्या? इसमें क्या खराबी है? हाथ में कितने पैसे आते जाते हैं, आज तक कुछ बचा है? कुछ नहीं। कना, तू कल की चिंता ना कर, ये सारी टेंशन की जड़ है ये कल। लेकिन वो नहीं, मैंने सुना कि गांजे का धंधा अच्छा चलता है, अपने रंजित को तो तूने देखा ही होगा। हाँ तो तू तारा के लिए नहीं करना चाहता है ना? नहीं चाहता, वो जो चाहती है वही कोथा में होगा। कना, जब तुझे भी किसी से सच्चा प्यार होगा ना, तब समझेगा तू। शक्ल तो देख कैसे शर्मा रहा है। ऑल इंडिया परमिट आ गई। ये बोतल सब छुपा छुपा दी, यहां क्यों आई हो? चलो निकलो। भैया भूल गए, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे केक काट के हैप्पी बर्थडे गा के बताओ फिल्मों के जैसे। अरे यार अब क्या करें? हेलो, हाँ एक मिनट, चले। हाँ
आता हूँ। कौन था? मार्केट का लफड़ा है, जाना पड़ेगा। मैं भी चलता हूँ। नहीं, टीवी देखने के बाद इसको घर छोड़ दे। नहीं, चल देखें। भैया। नहीं, भाग मत। मुन्नी रुक, मैं लेके चलता हूँ। मुन्नी, मुन्नी। मैं यहाँ कार्टून देखने आई थी। आया। मुन्नी को मैं घर छोड़ दूंगा, आप जाइए। मुन्नी, नीचे आ, अभी। नीचे उतर, आ। सुनती नहीं हो तुम? कितनी बार कहा है कुत्तों से दूर रहो, बिगड़ गई है। बात सुनो ये, सुनोगी मेरी बात? सिद्धि हो तुम? मालती मत मार। बात भी नहीं सुनती। माजी मत मार ये माजी। ओहो जन्मदिन तो यही हो गया। दंग कही हूँ, ये ले, ले। छोड़ दीजिए माजी। कितनी बार कहा है अपने भैया से मत मिलना? कितनी बार कहा है इन कुत्तों से दूर रहना? कौन कुत्ता? झूठ। किसको कुत्ता कह रही हो? झूठ मेरा हाथ। हाथ छोड़ो। जाने दीजिए ना, मत मारिए उनको, मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दे। साथ काम कर, तुझे मैनेजर बनाता हूं। चल बाहर निकल। ओ बोली, गाली देने के लिए तो तू बोली। अरे मां बोली, लेकिन कन्नन को मार के गलती कर दी। बड़ा आया कोता रवि, इस बार छोड़ रहा हूं। कन्नन को किसी ने छुआ तो राजू चुप नहीं बैठता था, फिर चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। चल खा ले बेटा, ले। ले, तेरा दोस्त आ गया। राजू आजा बेटा। क्यों रे इसे लफड़ा किया? वही लड़ने लगे थे, जानबूझकर कुछ नहीं किया। छोटा घाव है राजू। अगर हाथ की जगह कहीं और लग जाती तो मैं क्या करती बेटा? इसकी जान भी जा सकती थी ना माँ। ऐसे थोड़ी मैं मरने देगा माँ, क्योंकि मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। ज्यादा चढ़ गए क्या? बेटा तुझे कुछ खाने के लिए दूं?
नहीं मां, मेरा पेट भरा है। अच्छा, पर जख्मी तो अब तक भूखा है। मुझे दो। लात मारा था उसको। वो कोथा रवि, उसको तो पढ़नी थी। खा ले, ये लो मां, चलता हूं। अबे हाँ, इतनी जल्दी क्या है? तेरे को लगे आराम कर, दारू भूल जा। नहीं नहीं, तुम लोग चाहिए, रुक रहे, मुझे नहीं आना। ये बिल्ला है ना, देसी बम का स्पेशलिस्ट। आपको मिलने के लिए बुलाया है। चलो, कॉल मी रंजित भाई फ्रॉम कांदीग्राम। लुक मिस्टर, आई डोंट केयर हु यू आर एंड आई एम नॉट स्केर्ड, नॉट इवन अ बिट। आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉन्स लाइक यू, सो व्हाई डोंट यू शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस एंड वॉक ऑफ। ओह, क्या इंग्लिश बोल रहे रे? तेरे से बहस करने का अपने में हिम्मत नहीं रहे बिल्कुल। ए, काट के समंदर में फेंक दे। अरे भागो यहां से, तारा भागो, भागो यहां से, जल्दी जल्दी आओ। रन अवे पास टेंस है ना, मुझे भी इस तरह का प्यार हुआ था। कनाडा की टूरिस्ट थे केट, उसी के लिए मैंने इंग्लिश सीखी थी, मगर उसने छोड़ दिया।
लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं छोड़ा। राजू, हमें लड़कियों का दिल नहीं मिलता है, बस उनका शरीर ही मिलता है। मारना है तो मार दो, हमारी दुश्मनी का कारण यही है। आज तो सबक सी खा मत तुझे, अभी पता चलेगा तेरे को इसका टेस्ट। और भी अभी मार दो, दिल टूटकर जिंदा क्यों रहना मुझे। नहीं किया, बुरा मत मानिए। बाहर निकल। माफी मांगते हैं। राजू की चावी बनने कितनी लड़कियां तैयार है पता है? तू कौन होती है ना बोलने? जो भी नहीं हुआ उसका दुख है मुझे। एक लड़की से हार चुका था। कना,
धोनी, शाहजहां, राजू को ऐसी हालत में देख दुश्मन इस बात का फायदा उठा सकते थे, इसलिए खुद को बचाने के लिए हम लोग छुप गए थे। राजू, अबे राजू। हाँ। कन्ना, तो उसी दिन उसको खत्म कर देता तो तुझ पर नाज होता। क्या हालत है राजू, उठ। हाँ हाँ कन्ना। हाँ, उसको जाने दे, उसको बॉम्बे भेज, वो तो नरक में जाएगी। राजू, नशे में रहकर कुछ नहीं होगा, कोथा हाथ से चला जाएगा। उसने मेरा दिल तोड़ दिया रे। राजू, राजू, एक खंबर एक आना, किलो हरा माल, कोथा के लिए टेस्ट डोज। राजू को पता चलने का डर है तुम्हें? डरूंगा तो मेरा काम कैसे होगा? से आमने सामने नहीं टकराता, जानते हो क्यों? उसका कोई मकसद नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहो तो बेहतर। हमें चालाकी से हर कदम बढ़ाना होगा। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मेरा जो स्कूल है ना, राजू के स्कूल जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। मंजू, हेलो भाई, भाई सुनिए ना, खत्म कर दिया ना उसे। भाई से मारने के लिए हमें एटम बम की जरूरत पड़ेगी। भाई बात बिगड़ गई, आप खिसक ले जाओगे। ना, एक अर्जेंट मैटर है, वापस आता हूं। Thank you.
पीना है, ओ खंबा खत्म किया होगा। बोल कहा था? गांधी का। किसको मिलने? दोस्त से मिलने। बक्से में क्या है? तेरे दोस्त ने दिया होगा ना, जानना जरूरी है क्या? धोखा खाने के बाद राजू का दिल टूट गया। उसके बाद राजू ने क्लब जाना भी छोड़ दिया। बेटे को बर्बादी की तरफ जाते देख मालती अम्मा उससे मिलने आई। ऐसे पियोगे तो तुम जल्दी मर जाओगे। कान खोल के सुन लो, यहां से दूर चले जाना। यहां से चली जा। तुम जाओगे और कभी लौटकर वापस मत आना, चाहे मैं मर भी जाऊं। बस कर तेरा ड्रामा, चल निकल। क्या तुम अपनी बहन की फिक्र करते हो? तू उससे दूर हो जा। तुम्हारे जैसा भाई कितनी बदनामी होगी उसे। ये पॉइंट ये बोलने के लिए क्यों तुम घुमा फिरा रही हो? चला जाता हूं। दोस्ती खत्म हो गई थी, वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका अकेलापन और मां की बातें उसे खाने लगी। वर्ल्ड कप का फाइनल था, पर मैराडोना को वर्ल्ड कप जीतता देखने राजू नहीं आया, कहीं दूर चला गया। अकेली है, उसके बाप को कन्नन ने मार दिया, उसके खिलाफ रची हुई साजिश है ये। तारा अभी भी कोठा में रह रही है कन्नन का अंत देखने के लिए। गांजा पीने वालों के लिए ही कन्नन ने बनाई है ये जगह। को परेशान करना ही इनका काम है। देखिए, ये है सर जुनू, कन्नन का ब्रदर इन लॉ, एक नंबर का कमीना। ये सारे क्रिमिनल्स है सर, कल इन जैसों के हाथों में कोठा चला जाएगा। राजू की सिस्टर इसकी लवर है ना? वो लड़की तो कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में। ये राजू का है,
मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो इस वक्त यूपी में है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। कोई पूछता है तो कहता हूं पता नहीं। टोनी, इस राजू को कोता में वापस ले आए तो? सर, टोनी किसके साथ हो? राजू के साथ हो या कन्नन के साथ हो? मैं मेरी यूनिफॉर्म के साथ हूँ। बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। क्या हम मिलकर एक साथ खेल खेलें? कांटे को कांटे से निकालने का खेल। सुबह टोनी राजू के एड्रेस पे एक टेलीग्राम भेजना है। सर, मैटर क्या है बताता हूं। ओके सर। दीदी तेरे फोटो देखकर बड़ी सुंदर बोल रही थी। जूस मंगाऊं क्या? अरे तुम्हीं भैया, तो तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो? क्यों, आपको खाना है? ये तो ठंडी होगी, खुद को गर्म करने के लिए कुछ और है? गर्म जो तू रोज फूंकता है, गांजा सिगरेट। गांजा? मैं गांजा नहीं पीता। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे फूंकने का अवार्ड मिला है इसे और बोल रहा है कि नहीं पीता है। ये लोग चड्डी के अंदर गांजा छुपाते हैं सर। उठ, खड़ा हो। देखिए हाथों, लीव मी। ये क्या है? रितु, ले जाओ इसे। रितु, चल रितु, भरोसा मत करना। रितु, बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। अगर छोड़ो, करना ही है तो किसी अच्छे लड़के से करो मुन्नी। जो मैं कह रही हूँ तुम समझ पा रही हो? बेटी, एक ड्रग एडिक्ट के साथ जिंदगी गुजार कर तुम अच्छा भविष्य नहीं पा सकती। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो एक क्रिमिनल है, तुझे अपनाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। रुकिए, मैं देखता हूं। रितु, क्या है? बात करना है मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रितु, रितु प्लीज, आई एम हियर। वी आर इन लव मोड मैन। हे रितु, क्या हो रहा है? रितु, मेरा यकीन करो। ये सब तुम्हारी करतूत है ना? चल निकलो। नहीं, ये मेरी बेटी के पास अगर नजर भी आया तो पुराने रवि को तुम देखोगे। सामने खड़े सब को गायब कर दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो रितु, आई लव यू, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। छोड़ मुझे। गाड़ी निकाल। Huh?
क्या चाहिए? दिल भर गया क्या तेरा? मेरा रिश्ता तोड़कर बहुत भाषण देती है। She is avoiding me now. सब तेरी गलती है। You सब तोड़ के बर्बाद कर दो। की? ये 10 की है और ये 15 की। रितु तुमसे बात कर रही है। वहां जाके अपने आप से बात कर। रितु रितु लुक एट मी, मेरे जैसा लड़का मुश्किल है मिलना। गांजा पीना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है क्या? तेरी कोई गलती नहीं है, पर मुझे आगे पढ़ना है और मेरी मम्मी का सपना पूरा करना है, इसीलिए तुझसे तो क्या, मुझे किसी से भी प्यार नहीं करना। रितु रितु प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज। पढ़ाई करना है। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 इसे। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। इसे घर ले जाओ। आखिर वो दिन आ गया, राजा लौट आया। नहीं पता ये क्या कर रहा था? एक लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की है इसने। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसके बिना तू जी नहीं सकता तो तुझे मरना होगा। It's a brutal murder. इसकी जुगलर वेन को दबा के मारा है और ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। चीनू, पीला, बॉडी को फ्रीजर में रखवा दो।
पीला, लखनऊ के गुरुजी बाबा से बोल के राज के हिस्ट्री को खोद के निकाल। तो यूपी क्यों गया था? सब घर छोड़ के बॉम्बे जाते हैं, सोचा कि कुछ अलग करता हूं। अपना टीम कैसे हैं सब? शाहजन टीबी से मर गया, मनोज कोयंबटूर किसी काम से गया था, वहीं किसी ने मार दिया। निशान शादी करके कुडलूर में बस गया, पर अपना राफी वो कहीं नहीं गया। तू एक दिन लौट आएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा, वो हमेशा कहता रहता था। एक दिन बार में उसकी लड़ाई हुई जो समंदर के बीच जाकर खत्म हुई, एक फिशिंग जो 25 से ज्यादा मर्डर कर चुका है, अब कन्नन के गैंग में मेन है। सर, कैसा चल रहा है इंट्रोगेशन? इसने नहीं किया, ये अपनी फैमिली से मिलने आया है। कोई सबूत मिला? नहीं मिला सर। ऐसी जगह कोई भी कुछ भी कर सकता है। चलो छोड़ दो। और सुनो, हमारी जानकारी के बिना टाउन मत छोड़ना, यू स्टिल अ सस्पेक्ट। तुमने तारा के बारे में इसे जिक्र क्यों नहीं किया? उसके बारे में कैसे बताता, उसने इसे धोखा दिया था ना। अ रियल मैन विल कैरी हिज लव टू द ग्रेव। ऊपर वाला जाने कितने दिन डर कर जीना पड़ेगा, कन्नन चुप नहीं बैठेगा। भैया हम केक काट के खूब मनाएंगे। अभी तो आराम कर, दिमाग में कुछ भी मत रखना, भाई तेरे पास ही है।
मरने से पहले तेरी माँ का लिखा हुआ खत तेरे लिए। राजू बेटा, अपनी माँ पर गुस्सा हो क्या? तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम जहां भी रहना खुश रहना बेटा। अरे कन्नन भाई, एक और पेपर। ब्रांड पिता हूं तूने देखा ही नहीं होगा। यूपी में क्या करते हो? जनसेवा संगठन का अध्यक्ष था। जनसेवा संगठन का अध्यक्ष? तेरे को आंख से दिखता है? कम दिखता है, कभी कभी पानी भी निकलता है। वापस कब जाना है? तू चाहता है चला जाऊं? ये कोथा बहुत बदल चुका है। तुझे कैसे लगा? बहुत सालों बाद मालिक को जब कुत्ता देखता है वैसे ही कुत्ता, पहले भौंकेगा फिर तुम हिलाते हुए आकर पैरों के नीचे बैठ जाएगा। अब तूने मतलब की बात की। बाय। बाबू है भाई, तुम बोलो तो सभी निपटा दो आराम से। मेरा पुराना यार है। हाँ बाबू, क्या खबर? भाई उससे भिड़ना मत। बात तो बोल। सब लोग उसे यहाँ पर राजू मद्रासी के नाम से जानते हैं। उसका नाम सुनते ही यहाँ पर लोग कांपने लगते हैं। करीम शेख नाम के दादा को तो उसने सिर्फ एक ब्लेड से मार दिया। उसकी बात ना मानने वाले को वो सिर्फ एक पेन से भी मार सकता है भाई, इतना खतरनाक है वो। और गोली मार के माथे पर तिलक लगाना, सीने में चाकू घुसाकर हार्ट सर्जरी करना, ये सब उसकी खासियत है भाई। बस बस, तो फोन रख। और हाँ, एक बात और है। क्या? देव गुज्जर नाम का एक आदमी राजू के गैंग का खास मेंबर था। वो अब जेल में है, लेकिन बाहर आते ही राजू को मारने की कसम खा रखी है उसने। अगर हम गुज्जर की मदद लेते हैं तो राजू मद्रासी को वो देख लेगा। भाई सोच के बताना। भाई क्या बोला वो? कोथा से 10वीं पूरी करके पीएचडी लेकर लौटा है। तो राजू, हम क्या बात कर रहे थे? जीरो, सच बोलूं तो वो साला जीनू मेरे सर पे बोझ था, तो नहीं तो मैं मार ही देता। ये
इसमें कौन है इरलन? चलो मिलते हैं। इसको पिए बिना तुझे जाने नहीं दूंगा। कन्ना, किसी दिन हम ग्राउंड पे फुटबॉल खेलेंगे, आएगा? ठीक है, आता हूं। बैठिए मैडम। कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस बोलने के लिए ही यहां वर्दी डाल के बैठे हो क्या? राजू को तो आप लोगों ने छोड़ दिया। फिर क्या करते मैडम? No one saw him committing the crime. वो एक स्ट्रीट था, दिन में खुलेआम सबके सामने। साक्षीदार ना होने के कारण ऐसे बहुत सारे अनसुलझे केसेस फाइलों में बंद है। हमें भी इसका इंतजार है। राजू के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग सबूत मिल जाए। लेट्स वेट। उस फाइल को बंद कर दो, मैं सब देख लूंगी। मैडम जी क्या कर लेंगे, कन्नन भाई डर के उसके पास भी नहीं जाते। भाई के बॉडी को फ्रीजर में रखे हो ना, क्रिमेट नहीं करना। राजू की मौत के बाद ही सब होगा। चला गया था तू? कुछ चल रहा है। ये आपकी बिल्ली है? सबकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं होता। कुत्ते बिल्ली ही तो बुजुर्गों के जीने का सहारा है। कन्नन से मिला था। उसका नाम भी मत लेना। एक तुम्हें आकर मां को घर से निकाल दिया धोखे के पास। तुझे नहीं कह रही हूं। मेरे साथ चलो मां। जुनू भाई के लिए ट्रिब्यूट है। इतिहास नहीं जाना।
तेरी तारा के घर के सामने ही अड्डा है इन लोगों का, जब देखो तब नशा और लड़कीबाजी करते रहते हैं। मंजू, क्या कर रहे हो? मंजू, सोने चले? जीनू के दोस्तों को राजू कुमार ने तुमने भेजा, सबको उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? कनन, तुम्हें वो लॉज याद है? वहीं तो अपने रिश्ते की शुरुआत हुई। वो दौर एक मर्दाना दौर था, मेरे लिए एक आदमी तो क्या, हजारों को मारने की ताकत तुम में थी, याद है तुम्हें? हजारों को क्या, लाखों को भी मार सकता हूं तेरे लिए। छूना मत मुझे। मंजू, मेरे जीनू का हत्यारा सीना तान के घूम रहा है, तुमने क्या किया? जीनू की कोई गलती नहीं थी, राजू की बहन को जलाने की कोशिश कर रहा था वो। सही गलत देखकर ही क्या हम इतने दिन गुजारे हैं? राजू को सालों से जानता हूं, कहूं तो जिगरी दोस्त है मेरा। जिगरी दोस्त? सच बोलूं तो तुम्हारी उसी फटती है, उसका मुक्का खाकर कितने दिन तुम आईसीयू में थे? मंजू, पुरानी बातों को भूल जाओ। कायर भाई, अगर रंजित भाई होते तो अब तक राजू को खत्म कर दिया होता, चाहे सामने से हो या पीछे से। तुम टेंशन में हो, सोने चलते हैं। सोने के लिए किसी और को ढूंढ लेना, राजू की मौत की खबर सुनने के बाद ही मेरे करीब आना। बोल दिया। राजू के ऊपर और भी अटैक्स होंगे, कन्नन के एक सिग्नल के लिए केटीम इंतजार कर रही है। तो क्या, इससे पहले कि वो कोई कदम उठाने की सोचे
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। नहीं समझा। कन्नन और के टीम का चैप्टर तुम खत्म कर दो, केस का मैं देख लूंगा। जुनू को मार के तुम खुले में घूम रहे हो, वैसे ही कुछ ऐसे बकरों को उकसाकर उनका खून पीता है भेड़िया। आपका भी वही टेक्निक है ना? मेरा ऑफर है, ठुकराता हूं। वैसे जाने के लिए जिंदगी में कम लोग ही बचे हैं, उनमें पहला है कन्नन। तो उसे मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? कन्नन नहीं हूं मैं, धमकी देने बता रहा हूं। सर जी, वो टेलीग्राम बहुत अच्छा लगा। क्या खेलना नहीं है? तू ही बोल रहा था ना फुटबॉल खेलना है, आ जा। पुराने दिन ही बड़े अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं थी, मजे की लाइफ थी यार। यही तो तू चाहता था। बड़ा पापी हूं मैं, मां ने श्राप दिया है कि नरक में जाऊंगा। मां कमजोर है, तुझे ही उनका ध्यान रखना होगा। मां तो पहले जैसे नहीं रही, बहुत जिद्दी है, आने से मना करती है। बीवी की मंजूरी है? क्या आजकल मेरी उसके बनती नहीं, लड़ती है। उसने कसम खाई है कि तेरे मरने के बाद ही मेरे साथ रहेगी। फिर तूने क्या बोला? क्या कहता उससे? मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, भाई था ना उसका, दुख तो होगा। वो एक अनोखी लड़की है, इसलिए बहुत चाहता हूं उसे। बिना खबर के तेरे लिए सुपारी निकल सकती है, हाथ में कोई हथियार रख ले। हथियार रखना छोड़ दिया मैंने। क्यों रे? मजा नहीं आ रहा था, बदलाव जरूरी है। एक एप्पल का खेत लिया मैंने, सोच रहा हूं खेती करके सेटल हो जाऊं। एप्पल का खेत? एप्पल राजू? किसान, एक किलो एप्पल मिलेगा? सिगरेट सही रख। चलो मैं चलता हूं, एक सेकंड में। चढ़ गए क्या? छोड़ू तुझे? वो अभी मुझे कमरे से निकाल चुकी है, हम दोनों को एक साथ देखेगी तो घर से भी निकाल देगी। गुड नाइट माय फ्रेंड। कुछ दिनों बाद कोता छोड़ दूंगा, उसे बोल देना। उसके बिना नहीं रह सकता। तू पहले कहता था ना, जब मुझे किसी से सच्चा प्यार होगा तब समझूंगा। सही था तू। दरवाजा बंद करके सोना।
उसके पास हथियार नहीं है। जो बचा उसे तुम ले लो। इस फोन पर एसीडी है। तुम लोग राजू को मार सकते हो ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम में से किसी को मार के ही मरता हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब मिलकर एक बड़ी साम्राज्य शुरू करेंगे, पाब्लो एस्कोबार जैसा। हाँ लेस्ली, क्या है? काम खत्म, बॉडी कहाँ है पूछ। सेटल कर दूंगा, थोड़ा बिजी हूं। भाई यहां पे है लिया। तेरे से वो रंजित बेहतर था, क्लास था। अबे तू कन्नन को जानता है, कन्नन भाई को नहीं जानता। मुझे जानना है, तू आ। तमाशा देखो, इसको हम देखते हैं, चलो। Yeah!
राजू, इसके चाकू से बचना। बहुत से बेगुनाहों की जान ली है इसके चाकू ने। ये आइटम तुमने देखा नहीं होगा, हार्ट सर्जरी कहते हैं इसे। कन्नन भाई यहां से भाग गया, लेकिन मैं जो जानता हूं वो आप नहीं जानते। उसका पता कोई नहीं लगा सकता। ऐसी भी एक जगह है, वो कहीं नहीं भाग सकता, यहीं छुपा होगा कोठा के अंदर। सुनो, जन्मदिन कल है, अगले साल नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पापा, भाई ने खरीदा है। मेरे कारण ही तू गलत रास्ते जा रहा था, ऐसा बोलकर तेरी मां मुझे कोसती थी। मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं। आगे का क्या सोचा है? जमीन लिया है, खेती करूंगा वहां अकेले। राजू, तुम शादी कर लो, तारा ने आज तक शादी नहीं की, जानते हो? तेरी मां के आखिरी दिनों में वो साथ थी, वो अच्छी लड़की है, जाते समय उसे भी साथ ले जाना। Thank you.
बुलाने आया हूं। राजू के लिए फोन है। कन्ना बस कर, काम से टाउन अकेले जा रहे थे, किसी ने पीछे से अटैक कर दिया। नीचे उतारने को बोल सॉरी उतारू और के टीम कहां छुपे हैं ये तुम्हें पता लगाना होगा, फिर तुम राजू को इन्फॉर्म करना और खेल खत्म। ये टोनी के चाहने से ही हो सकता है। खेलना बंद कीजिए। बदले की आग में आप एक क्रिमिनल की तरह सोचने लगे हो। ऐसी सोच उस कन्नन और राजू से भी बहुत घटिया है। आज रात को
हे राजू, राजू, हे राजू, उठ, राजू, 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 राजू। मेरे कहने पर मां तुम्हें यहां ले आई। पहले मना कर रहे थे, फिर राजो या कन्नन कोई एक ही जिंदा रहेगा कह के धमकाया, तब भी नहीं मानी। फिर मैं बिल्ली को मारने गया, तब मान गई। बिल्ली हमारे जान से बढ़कर है वो बिल्ली। क्यों ये ड्रामा? देरी के लिए माफ कर दे, तेरे से किसी को बात करनी है। कहना है इसे कह दे, कुछ भी भूलना मत, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे जानते हो? तू रंजित की चमिया बनने से पहले कोची में धंधा करती थी, तब से जानता हूं। तेरी मां को भी जानता हूं। और आगे बताओ, तो जिस लड़के को मैंने मारा तेरा बेटा है वो भी जानता हूं। तेरह साल की उम्र में उसके मां के पंडर से मिला हुआ तोहफा तेरे को देख के तरस आता है, क्योंकि तेरी ये जिंदगी तूने नहीं चुना। मंजू कन्ना, अपनी लड़की के चरित्र को जानना चाहना मर्दों को शोभा नहीं देता। बोलो बंदर। मंजू सर, युद्ध होने वाला है क्या?
मैं राजू को ले जाने आया हूं। कुछ हासिल नहीं होगा। देख लेंगे। टोनी चलो। ए कन्ना, अब मैं डरता तुझसे नहीं अपने आप से। कोई यहां से नहीं हिलेगा। टोनी जा। तो जिनको सल्यूट करता है वो मेरे पालतू कुत्ते हैं रे। पता है, पर मैं उनमें से नहीं हूं। सर, राजू यहां नहीं है। हा? चाकू के धार से कोई बचा है? वैसे नहीं मर सकता राजू। तो कहाँ है राजू? पुलिस ढूंढ कर नहीं मिला। कन्नन भाई और के टीम गली गली ढूंढ चुके हैं। इसको 3 हफ्ते हो चुके हैं। वो घायलों के गोदाम में छुपा होगा, फिर वही मर गया होगा, ऐसे मुझे लगता है। अब हमारे बुरे दिन लौट आए कन्नन भाई का। अब हमें गुलामी करनी होगी। धीरे बात कीजिए, कन्नन भाई बाहर ही है। यरलान को मरते देख जो मजे ले रहे थे, आज उनका दिन है। यूपी पुलिस का फैक्स आया हुआ है सर, राजू नहीं मिला। लेकिन ऐसी जख्मी हालत में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अब आप खुश हैं ना सर? मैं रिजाइन कर रहा हूं टोनी। अने अबे परेशान मत जा रे। राजू मर चुका है, ये मानते हो? नहीं पता, पर जानता हूं कीड़े उसके शरीर को किसी नाले में खा रहे होंगे। इसे तो मैं अभी दिखाता हूं, रुक जा। मंजू, तुम मुझे ठीक तरह से समझ नहीं पाए, वरना जिन्नू की बात क्यों छुपाते? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे जिन्नू को देखना है। मने आप तक आए ना भाई? प्याज बुझाने गया है, टाइम तो लगेगा। अभी आया है।
अब चाकू का जमाना नहीं रहा ना मामू भाई। और है दिखाता हूं। अरे वो बात नहीं है, राजू की बॉडी मिलने तक टेंशन है, अगर वो वापस आ गया तो। उसको जिंदा वापस आना है तो आने दे, उसके बाप को जैसे लटकाया ना वैसे लटका दूंगा। मरने वाले का नाम जुनू। जुनू कैसे चलाते हैं? अनलॉक करना है, आता हूं। उसको काट के फेंक दे।
के आमने सामने लड़े मर्दों की तरह, ऐसे छिप छिप के नहीं। जो तूने उसके साथ किया क्या वो आमने सामने था? हेलो, वही है भाई, आज रात को मिलना है आमने सामने। मरने से डरते हो कपिला? नहीं भाई, आपको छूने से पहले उसको मेरी लाश से गुजरना होगा। इसके सिवा सब मर गए, तभी समझ गया कि ये गद्दार है। इसीलिए मेरे सेफ्टी के लिए मैंने एक के टीम बना दी। आखिरी दावत, किसको भी दावत दे मौत को छोड़कर।
तू राजू से कभी नहीं बच पाया तो कैसे राजू मद्रासी से? राजू मत मार मुझे, मैं कोता छोड़ दूंगा, मंजू के लेके चल जाऊंगा। मार दो भाई इसे। राजू याद कर अपने पुराने दिन। मैं तुझे नहीं मारूंगा, वो मौका किसी और को दूंगा। था मुझे, रंजीत का बेटा हूं मैं। यू किल्ड माय फादर, आई वांट रिवेंज। राजू इससे नहीं मरना मुझे, तू मार। तूने उस दिन पूछा था ना दुनिया में मैं किससे ज्यादा चाहता हूं, चुनने के लिए तीन नाम भी दिए मगर अपना नाम नहीं बोला था। जब साथ कोई नहीं था तू था मेरे पास, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती तू है। किसी की जरूरत नहीं है।
जीते हुए वक्त में जो पाप मैंने किए हैं, पता है मुझे कभी सोने नहीं देगा। फिर भी इस नई जिंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जो भी हो जाए बस चलते रहना है, चाहे जो भी हो जाए बस चलते रहना है। हो सके तो चूके देख।